और स्वामी चिर्मयानंद के बचाव में आए थे ओमदेव बाबा, जिन्हें यूं कहा जाएगा बवाली बाबा। बची कुची स्वामी चिर्मयानंद की लुटिया वो भी डिप हो गए, जिसको धरना प्रदर्शन के जरिए पुतला फूका स्वामी जी का। लेकिन बवाली बाबा को महिलाओं ने बहुत ढूंढा, बवाली बाबा पहले ही चले गए थे, इसलिए विस्तार से बवाली बाबा ने क्या कुछ कराओ, क्या कुछ उनके ऊपर हुआ, विस्तार से नजारा हम आपको दिखाते हैं। मैं बिग बॉस का सुपर हीरो, हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी जी। स्वामी जी, आप सुपर हीरो, बिग बॉस के सुपर हीरो संत कैसे हो? ऐसा है, पहले मुझे बोलिए, स्वामी चिन्मयानंद का मालिश कराते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या वो आपकी नज़र में सही है या गलत? देखिए, मालिश कराना कोई अपराध नहीं है। गली गली में मसाज पार्लर खुले हुए हैं, जहाँ पर इतने सारे कुकर्म हो रहे हैं, उसको तो आप लोग हाईलाइट करते नहीं है, उसको तो पुलिस हाईलाइट करती नहीं है। लेकिन मालिश कराना, देखिए, ये बलात्कार का केस है, बलात्कार के केस में मालिश का कोई रोल नहीं होता। ये शोषण का रोल होता है, क्या छात्राओं से मालिश कराई जाएगी, क्या कॉलेज के अंदर मालिश कराई जाएगी, क्या उस छात्रा को सोचना चाहिए ना जो वहाँ पर गई है, किडनैपिंग तो लाई नहीं गई। और स्वामी का ये भी कहना था कि सलमान खान को घसीट घसीट कर मारा, आप खुद ही सुनिए। खान को मैंने वहां पर घसीट घसीट कर मार करके मैंने अधमरा कर दिया, उसकी सारी सुल्तानगिरी उसके अंदर मैंने घुसेर दी, और आज उसका परिणाम ये हुआ कि सलमान खान को, उस वक्त भी मैंने कहा था तेरा ये ट्यूबलाइट में फ्यूज कर दूंगा, मैंने फ्यूज किया, उसके बाद जितनी भी फिल्में उसके आई सब फ्लॉप गई। और अब जरा देखिए ओमदेव बाबा का पुराना रिकॉर्ड, हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि जब उन्हें प्रोग्राम में बुलाया तो बाज नहीं आए, महिलाओं को छेड़ दिया, और जब महिलाओं को छेड़ा तो महिलाओं ने उनके साथ क्या क्या सुलूक करा, विस्तार से नजारा हम दिखाते हैं आपको। हेलो, नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद, मैं इसलिए धन्यवाद मैं इसलिए करना चाहता हूँ अजय भाई का, इसको यहाँ से पुना का, इसको यहाँ से पुना का, इसको यहाँ से पुना। अरे छोड़ छोड़ छोड़, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई नहीं, अरे जितेंद्र भाई गलत है, ओए ये स्वामी है, इसकी इसकी स्वामी पर दिखाओ बहन, कौन कुछ कहेगा भाई, कौन कुछ कहेगा आप पर? हम नाम बताइए। अजय त्यागी। क्या प्रोग्राम था आज? देखिए, हमने आज नथुराम गोडसे की जयंती पर एक उनके जीवन से जुड़े हुए नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो जिसमें हमारे मुख्य अतिथिगण भी उपस्थित थे वहां पे, और पता नहीं स्वामी ओम जी को शायद हमारे किसी कार्यकर्ता ने बुलाया होगा, मेरी जानकारी में नहीं था, तो स्वामी ओम जी भी वहां पर आए। तो स्वामी ओम जी के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, जो उन्होंने फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाल रखी हैं, तो उसके बावजूद भी मैंने जो है जो भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, उसके अनुसार ही वहां पर उनको बुला के सम्मानित किया। उसके बाद वहां से महिलाओं के बीच से जो है आवाज आई कि ऐसे ढोंगी बाबा को, ऐसे निर्लज और पाखंडी बाबा को आपने क्यों बुलाया, इस असामाजिक तत्व को जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है, उसे महिलाओं की इज्जत का ही नहीं पता, ऐसे बाबा को क्यों बुलाया। तो उसी सब चीजों के बाद वहां पर कुछ घटना घटी, कुछ महिलाओं के साथ फिर बाबा ने भी गाली गलौज किया, तो ये सारा वाक्या ऐसा ही था। क्या कुछ हुआ वहां पर, मार पिटाई भी हुई? जी जी, मार पिटाई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे कुछ महिलाएं जब बोल रही थी तो बाबा ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, गाली गलौज की, और अभद्र उनके सामने उन्होंने कुछ एक्टिविटीज की, हाथों से कुछ इशारे किए गंदे गंदे, तो जिनको देखकर महिलाओं को भी गुस्सा आया, और वहां पे जो यूथ थे वो भी आक्रोशित हो गए, और उसी के चलते थोड़ा बहुत कुछ उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई थोड़ी बहुत, तो उसका बीच बचाव करवा दिया गया था वहां पे। जी, उसके बाद में क्या फिर अब आगे? उसके बाद में जब ये सारी घटना घटी, उसके बाद कुछ वहां पे छोटी छोटी बच्चियां थी, उन्होंने मेरे को दिखाया कि भैया आपने ऐसे पाखंडी को, ऐसे समाज के अंदर अश्लीलता फैलाने वाले को आपने बुलाया कार्यक्रम में। उन्होंने उसकी जो फेसबुक पे उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई है, उनको देख के
मतलब तब से मुझे बड़ी अपने आप से घृणा हो रखी है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का मतलब सम्मान किया, ऐसे व्यक्ति को मंच पे बुलाया जो व्यक्ति मंच पे बुलाने के लायक नहीं है। उसको तो जितना मतलब उसकी जितनी पिटाई की जाए उतनी थोड़ी है। ऐसे आदमी को तो सच में ही पीटना चाहिए। अगर मुझे उससे पहले पता होता कि यह व्यक्ति ऐसा है, इसकी विचारधारा ऐसी है, इसकी सोच ऐसी है, तो शायद मेरे भी जो हाव भाव थे, जो प्रतिक्रिया थी, उन्हीं लोगों जैसी होती, उन्हीं महिलाओं जैसी होती, उन्हीं पुरुषों जैसी होती जो वहाँ पे उस समय बोल रहे थे। अभी क्या कुछ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना